आज जम्मू में कांग्रेस के सीनियर नेता जोगेश सहनी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंचार्ज नीरज गुप्ता जी, हमारे जिला के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रमाकांत खजूरिया जी, और मेरे साथ ही हमारे जम्मू वेस्ट को कोऑर्डिनेट जो करते हैं पार्टी अफेयर्स को राजेश शर्मा जी, साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट वार्ड ब्लॉक नंबर 3 से, और साथ में हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हैं वार्ड नंबर 28 से। इधर मेरे साथ हैं आशीष चंद्रशेखर जी जो कोऑर्डिनेट करते हैं जम्मू ईस्ट को, साथ में अतुल जी ये कोऑर्डिनेट करते हैं जम्मू ईस्ट को, और साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जम्मू ईस्ट से। कुछ बातें आपके मैं समक्ष रखना चाहता हूँ कि कल 31 को तो पहले इंदिरा जी की जयंती पर पूरे भारतवर्ष में जो बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार ने, उसके उपलक्ष्य में इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी की लीडरशिप ने कश्मीर और जम्मू के अंदर हमने किसान अधिकार दिवस मनाया, जिसमें सभी साथियों ने, उसके बाद जो अभी रिसेंटली भाजपा ने एक तोहफा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, एक जो कानून लागू किया कि जो हमारी ज़मीनें जो हैं, जिसके मालिकाना हक जो है जम्मू कश्मीर की आवाम है, यहाँ पे कोई भी बाहर से आके वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है। मैं कुछ चीज़ें नोटिस में आपके समक्ष लाना चाहता हूँ कि इसी सिलसिले में कल मीर साहब ने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की है कि जो किसानों के हकूक की के खिलाफ जो बिल पास पार्लियामेंट में किया था, उसकी सिग्नेचर कैंपेन पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट हुई। कश्मीर में कल मीर साहब ने स्टार्ट किया, और जम्मू में आज हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। और साथ में ये जो काला कानून कि हमारे जम्मू कश्मीर की जमीनों पर जो है बाहर से स्टेट से लोग आकर यहाँ बसेंगे, इनको खरीदेंगे, ये जो कानून लागू किया है उसकी भी लॉन्च जो है मीर साहब ने कश्मीर से किया कल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, और हम जम्मू से स्टार्ट करें। मैं कोट करना चाहता हूं, भाजपा के लोगों ने जब अनडेमोक्रेटिक तरीके के साथ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर दफा 370 और 35A को तोड़ा, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की लोगों के हकूक की रक्षा की जाएगी, जमीनों की रक्षा किया जाएगी, उनका मालिकाना हक उनके पास रहेंगे, जॉब सिक्योर रहेंगे। उसमें कोट करना चाहता हूं कि जैसे यहां के जो अध्यक्ष थे भाजपा के, 10 अगस्त 2019 को वो कहते हैं, अबार्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 डज नॉट इंडिकेट दैट एनी बॉडी फ्रॉम द आउटसेट कैन कम एंड बाय लैंड। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। और सेकेंड, हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी अगस्त 2019 को कहते हैं, कोट कर रहा हूं, सेड देयर शुड बी डोमिसाइल बेस्ड पॉलिसी एंड वी वुड सजेस्ट दिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, को कहेंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर देयर इज ए प्रोविजन दैट नोबॉडी फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड बाय एज मच लैंड एज दे वांट। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों की हकूक की रक्षा करें। और हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं शाह साहब, 3 सितंबर को कहते हैं कि हम कोई भी जो बाहर से आकर हमारी जम्मू कश्मीर की लैंड को परचेस नहीं करेगी।
इनकी कथनी और कथनी में करनी में कितना फर्क है। उसी सिलसिले में जम्मू जिला के अंदर शहर के अंदर जितने भी हमारे सीनियर साथी बैठे हैं और हम लोगों ने प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन थ्रू आपके माध्यम से कि जनता से कहेंगे कि आप अपनी जगह लैंड इनको देना चाहते हो, इस कानून को मानते हो कि नहीं मानते। जैसे आजादी की लड़ाई में जंग में महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया था कि जब ब्रिटिश सरकार जुल्म ढा रही थी किसानों के ऊपर, हर तरफ अफरा तफरी थी, तो उन्होंने कहा था कि अशोक आंदोलन जो चलाया जाएगा पूरे भारत के वर्ष के अंदर, और हम आपके माध्यम से प्रेस के माध्यम से जम्मू की आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को ये रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे कि इस कानून को हम लोग नहीं मानते और ये सिग्नेचर कैंपेन जो है पूरे जम्मू शहर में चलेगी। हाँ, यही आज जम्मू के लोगों को अपील करनी है कि ये जो कैंपेन चलेगी, ये थ्रू आउट कैंपेन चलेगी कि लैंड जो है हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे।